देना होया खोली का गणेशा हो, देना होया मोरी को न रहना हो। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ पूनम बिष्ट अल्मोड़ा की पहाड़न और आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं देवभूमि उत्तराखंड और मेरे यूट्यूब चैनल पहाड़ी पूनम में। आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ अपने गांव यानी ऊंचा वाहन में और वहाँ की एक शादी की कुछ झलकियाँ मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो मिलिए इस खूबसूरत जोड़े से और इस शादी में हम हैं लड़की वाले। तो शुरुआत करते हैं ढोल और दमाओ के साथ। ढोल दमाऊ जो एक बहुत ही वाद्य यंत्र होता है प्रसिद्ध हमारे उत्तराखंड का, और वो रखा है ऊपर गगरी जिसमें जो लड़कियां जब गेट पर खड़ी होती हैं दूल्हे का वेट करती हैं तब के लिए। इतनी सुंदरता से उत्तराखंड में सजावट इस तरीके से की जाती है एप्पल से। ये है हमारी कुमाऊनी ब्राइड, कितनी सुंदर है देखिए। और आज ये बनने जा रही हैं एक नए रिश्ते में, कैसा लग रहा है आपको? घबराहट हो रही है। अरे नहीं, घबराहट किस बात की, शेरनी होती है दुल्हनिया तभी तो इतने सारे लोग आते हैं और वो अकेली जाती है। और ये है दुल्हन की ये शायद दीदी दीदी, ये हैं दीदी, वो हैं भाभी। आप दीदी हो ना? हाँ, ये दीदी वो भाभी हैं, वो मम्मी हैं। हाँ, पहला ये है, ये दीदी, आप भी दीदी, और आप भाभी लगती हैं। अच्छा अच्छा, वो पिछौड़े की सुंदरता वहाँ बैठी हुई है। हाँ। अभी जब ये पहनेंगी तो ये और खूबसूरत लगेंगे जब पिछौड़ा पहनेंगी। सॉरी, कोई बात नहीं। मैंने जो लास्ट शादी अटेंड की थी उसमें मैंने नीचे बैठ के खाया था, लेकिन आज मैं ऐसे
पीछे रायता। आप रायता है, खाने में क्या है? रायता गडेरे की सब्जी भी है। पहाड़ी पहाड़ी टच दिया हुआ है शादी के खाने में, गडेरे की सब्जी। और ये देखिए सब लोग खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं, खाने का मजा लीजिए आप। ठंड में तो देखा आपने फ्रेंड्स, हमारी कुमाऊनी शादियाँ कितनी खूबसूरत होती हैं। इतने खूबसूरत रिवाज, इतने खूबसूरत लोग, इतनी खूबसूरत हमारी परंपराएं, जहाँ पर दूल्हे को भगवान विष्णु का रूप मानकर उनकी पूजा की जाती है, जिसे धूली अर्ध कहा जाता है। और मैंने मिलाया आपको उत्तराखंड के एक बहुत ही खूबसूरत जोड़े से। और ये शादी हुई थी 2020 में नवंबर के लास्ट वीक में, और हम उस वक्त गांव में ही थे। तो बहुत ही खुशकिस्मत मैं अपने को मानती हूँ कि मैं इस जोड़े की शादी में शामिल हुई। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में कुमाऊनी शादी की और कई रीति रिवाजों के साथ। तब तक के लिए बाय।